नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। सेंट्रल डिबेट में आप सबका स्वागत है। और आज इस चुनावी दौर में और चुनाव का परिणाम कल आने वाला है, उसके पहले आज डिबेट में हम लोगों ने जो विषय रखा है उसमें एक रिट्रोस्पेक्शन है, एक निरीक्षण है, भाजपा के लिए आत्मनिरीक्षण है और बाकी वक्ताओं के लिए निरीक्षण करने का समय है कि ये जो भाजपा जिस तरह का अभी एक माहौल है, हालांकि परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि किस पार्टी की सत्ता बन रही है और कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये एक सामान्य बात है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री देश के बनने जा रहे हैं और जिस पार्टी के नेता हैं वो उसी के उस पार्टी में जो अंदर में चीज़ें घट रही हैं, जो अंतर कला है, भीतर घात है, इन सब विषयों पर हम लोगों को बात करनी है। इसलिए कि जब आप सत्ता में आएंगे, यानी भाजपा जब सत्ता में आएगी और उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव होने तक सत्ता में रहेगी, तो सत्ता में जो मदांधता आती है उससे बचने के लिए एक जो एक प्रतिरोधक एक जो बात होती है वो खड़ी होनी चाहिए और उस की समीक्षा के लिए और प्रतिरोधन की क्षमता बढ़े भाजपा में उस आह्वान के साथ, चूंकि आज हमारे वक्ता दीर्घा में भाजपा के प्रवक्ता और नेता भी मौजूद हैं और एक अकेली पार्टी के आज प्रवक्ता और नेता हमारे साथ हैं, इसलिए कि एक ही पार्टी को आज इस डिबेट में आमंत्रित किया गया है। और इसमें इसलिए कि भाजपा केंद्र में है, पाइवोटल रोल में है और इस पर एक समीक्षा होनी चाहिए कि जितने भी भाजपा के महत्वपूर्ण नेता अलग अलग जगहों से खड़े थे, ऐसा क्या था कि कई सारे महत्वपूर्ण नेताओं के पीछे भाजपा के ही की ही समानांतर जो शक्तियां हैं वो उनको हराने में लगी हुई थी। यह गहन चिंतन का विषय है, इसलिए कि जब वो एक अनुशासित पार्टी है और एक समग्रता को लेकर चलने वाली पार्टी है तो उस पार्टी में एक जो अंतर का जो एक विरोधाभास है, यह विरोधाभास क्यों है, इसके डिटेल में हम आएंगे माफ करिएगा। और एक वक्ताओं से परिचय कराने के पहले ये बात जरूर कह दें कि हम बात राजधानी लखनऊ से शुरू करेंगे और राजधानी लखनऊ में किस तरह से राजनाथ सिंह को, जो भारत के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं, दो दो बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और उनको उनके सामने भाजपा के ही नेताओं ने किस तरह से लोहे की कीलें बिछा कर रखी थी, इसका एक विश्लेषण, इससे बात शुरू होगी और बात और भी कई सारी होंगी। तो मैं सबसे पहले आपको आप सबका वक्ताओं से परिचय कराता हूँ। हमारे बीच हमारे हम नाम प्रभात त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। प्रभात जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल के अध्यक्ष अल्लामा जमीर नकवी मौजूद हैं। नकवी साहब, आपका स्वागत है। हमारे बीच लेखक पत्रकार अरविंद विद्रोही जी मौजूद हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है। हमारे बीच संविधान विशेषज्ञ योगेश मिश्र जी मौजूद हैं। योगेश जी, आपका स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच भाजपा नेता विवेक श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। विवेक जी, आपका बहुत स्वागत है। और सूत्रधारीय भूमिका मैंने पहले ही अदा कर दी है। लखनऊ से बात शुरू करते हैं इस पर आज आपकी जो राय आएगी, वो जितने वक्ता उनका विचार आ जाएगा उसके बाद हम आपकी तरफ आएंगे, इसलिए कि फिर आपका पक्ष हम लोग जानने की एक कोशिश करेंगे। और इस मामले में जो केंद्रीय राय है कि अभी लखनऊ से बात ठीक है, जिस तरह से भी जो समग्रता में एक पॉइंट हमने ये रखा कि भाजपा ये जो अंतरकला है या भाजपा जो भीतरघात भाजपा का है, इससे निजात पाने की भाजपा किस तरह से कोशिश करेगी, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इससे, इस अंतरकला से इनकी जो इनका जो आंतरिक लोकतंत्र है जिसका ये दावा करते हैं, उसका किस तरह से खंडन होता है। तो हम सबसे पहले हम अपने पत्रकार बिरादरी की तरफ से आते हैं। और प्रभात त्रिपाठी जी, आपकी राय, केंद्रीय राय इस पर क्या है? देखिए प्रभात जी, आपने आज बहुत अच्छा विषय रखा, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं उनको ये जानने की आवश्यकता है कि इतने बड़े भारत के बड़े लोकतंत्र देश में और बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी, जो अपने आप को विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बताती है, कि इतने करोड़ों हमारे सदस्य हैं, उस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है कि नहीं है,
इसकी चर्चा आपने की और एक नई एक जो आपने डिबेट आज रखी, क्योंकि हर चैनल बहुत से चैनल उसी ईवीएम में उलझे हुए हैं और जबकि रिजल्ट 12 घंटे 13 घंटे बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन आपकी जो चर्चा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी वो कहाँ से गवर्न हो रही है और किस तरीके से उसका आंतरिक लोकतंत्र चूर चूर हो गया है। और उस पर आपने जो राजनाथ सिंह की बात कही, निश्चित तौर पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह एक षड्यंत्र के शिकार होने जा रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ, और इसलिए होने जा रहे थे कि वो मोदी के पैनल 2019 में ये माना जा रहा था कि अगर 2019 में लोकसभा चुनाव में एनडीए 200 या 200-250 सीट के बीच में रहती है तो राजनाथ सिंह और गडकरी ये दो व्यक्तियों के नाम संघ की तरफ से भी आ जाते आगे, और आम सहमति बनाने में राजनाथ सिंह बहुत माहिर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी कई बार सरकार आम सहमत से अपोजिशन पार्टी के एमएलए लेके चलाई है। तो ऐसी स्थिति में राजनाथ सिंह के संग एक षड्यंत्र की शुरुआत हुई थी, लेकिन जब वहाँ के उनके लोग स्थानीय कार्यकर्ताओं को, मुझे पक्की सूचना है, लखनऊ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को और नेताओं को पता लगा कि राजनाथ सिंह कुछ षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, तो उन्होंने अपने मोर्चेबंदी को थोड़ा मजबूत किया और अब वो फाइट में है, पूनम सिन्हा के साथ फाइट में है। लेकिन पार्टी के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र है, हम बाहर लोकतंत्र मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वहाँ घमासान मचा हुआ है ईवीएम को लेकर, वो लोकतंत्र कितना कमजोर हो गया, लेकिन पार्टी के अंदर, अगर पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र कमजोर होगा तो निश्चित तौर पे वो पार्टी के लिए और देश की जनता के लिए भी एक बहुत बहुत सही, बहुत अच्छी बात, आप बहुत ही अच्छी एक केंद्रीय राय सामने आई है और इस पर एक मुझको लगता है कि डिबेट पूरा खड़ा होगा। मैं अरविंद विद्रोही जी आपकी तरफ हूँ, आपकी केंद्रीय राय इस पर आ जाए। जी प्रभात जी ने बिल्कुल सही बातें कही हैं, किसी भी राजनीतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र का होना बहुत जरूरी है और आंतरिक लोकतंत्र का ह्रास है। आंतरिक लोकतंत्र अपनी सुविधा अनुसार विभिन्न राजनेता साबित करने में रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आंतरिक लोकतंत्र सभी राजनीतिक दलों में नहीं है। नेतृत्व की इच्छा अनुसार उनकी कार्य समितियाँ बैठती हैं, उनके फ्रंटल संगठन के अध्यक्ष तक जो नामित होते हैं या चुनावी प्रक्रिया में आते हैं वो नेतृत्व के या उनके मात्र संस्थाओं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की ही बात करें तो उनका मात्र संगठन जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो बहुत कुछ निर्धारित करता है। यहाँ तक कि उनके जो पार्टी के संगठन महामंत्री होते हैं, जो सबसे निर्णायक माने जाते हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा ही भेजे जाते हैं और इसमें कोई छुपी बात नहीं है। ये संघ के स्वयंसेवक होते हैं, भेजे जाते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी और पीएम इन वेटिंग रहे आडवाणी जी भी, सब लोग और पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी भी सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक ही थे जो राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए थे। अब सवाल है लखनऊ की सीट पर हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह की घेराबंदी उन्हीं के दल के द्वारा, तो इस पर एक चीज है, राजनाथ सिंह जी जैसा कि अभी प्रभात जी ने बताया और हम सभी लोग जानते हैं, सरकार बनाने में और राजनीति के एक चातुर खिलाड़ी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो निश्चित रूप से जब वो अपने ही दल में पीएम बनने की दौड़ में उस समय आते जब 272 की सीट पर अभी कल ना पहुंचे 250 करें तो संभावना रहेगी, तो निश्चित रूप से जो और भी उनके दल के लोग रहेंगे उन्होंने कोशिश की, अब कोशिश किया तो उसको बचाने के भी लोग आए, यही तो राजनीति है। जब हम आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो हर दल में राजनीति ही रहेगी, लेकिन राजनीति सही माने में वो होती है जो नीत राज रह जाए। जब इस चुनाव में राजनाथ सिंह के खिलाफ राजनीति खुल गई तो वो राजनीति रह नहीं गई, उसकी काट जो है या उसका उस समस्या का निराकरण राजनाथ सिंह जी ने और उनके लोगों ने, उनके चुनाव प्रबंधकों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने ढूंढ लिया, इसलिए वो निष्प्रभाव, वो एक क्राइसिस मैनेजमेंट हुई। ठीक बात है अरविंद जी, फिर हम आएंगे आपकी तरफ और अल्लामा जमीर नकवी आपके पास है, आपकी केंद्रीय राय क्या है इस मसले पर, स्पेसिफिक्स में हम लोग बाद में उतरेंगे, पहले एक केंद्रीय राय आ जाए उसके बाद स्पेसिफिक्स में उतरेंगे। देखिए राजनाथ जी को हम लोगों ने अटल जी के बाद देखा और अटल जी से जितना शिया वर्ग हमारा प्रभावित रहा वही स्थिति राजनाथ सिंह जी के साथ, लाउड बोलिए, देखिए वही स्थिति राजनाथ सिंह जी के साथ रही, मदरसा पंचायत, आज़ादारी एजिटेशन, आज़ादारी को बहाल करवाना, ये सारी चीज़ें राजनाथ सिंह जी का बहुत बड़ा सहयोग और एक काम रहा है। और उससे सबसे ज़्यादा जो राजनाथ सिंह जी को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है
वो खुद प्रदेश के मुखिया की तरफ से हुआ, क्योंकि शिया वर्ग आग बन करके बीजेपी का सपोर्टर कहा गया और उसको अलग करने के लिए योगी जी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया, अली और बजरंगबली के हमारे साथ बजरंगबली हैं तुम्हारे साथ अली हैं, तो अब इसको भी हम अगर आप इजाज़त देंगे तो व्याख्या करूंगा, क्योंकि हमने तो साबित किया हर दौर में कि बजरंगबली भी हमारे हैं, यही वजह है कि बेगम आलिया ने इस पर तो हम बाद में आएंगे, पहले तो ये बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से भाजपा के अंदर भीतरघात है। तो भीतरघात इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आप एक ऐसे नेता को जो अटल जी के बाद देखा जा रहा है, यानी जिसकी सेकुलर मानसिकता का जो नेता है भाजपा में, उसको आप क्रश कर रहे हैं, उसको आप चोट पहुंचा रहे हैं, इससे बड़ा दुखद की बात क्या होगी कि आप उसको हरवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसके स्पेसिफिक्स में हम लोग फिर आएंगे। योगेश जी आपकी तरफ हूँ। प्रभात जी, इसमें बहुत सीधी सीधी साफ साफ बात है कि भारतीय राजनीति में भाजपा की जो प्रवेश हुआ वो इसलिए हुआ था कि सदन में हमारी बात को कहने वाले कुछ लोग होने चाहिए, इस नियत से वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद जब वहाँ का आभा मंडल और चीज़ों का प्रभाव पड़ा तो ये हुआ कि हमें मजबूती से अपनी बात कहने के लिए मजबूत राजनीतिक दल के रूप में उभरना पड़ेगा, ये हमारी आवश्यकता है। और उसके तहत जब आगे कार्य किया गया तो अटल जी उत्तर प्रदेश के मुखिया थे, वो यहाँ से वो सांसद थे लखनऊ से, और वो प्रधानमंत्री के रूप में आए। परिणाम क्या हुआ कि बीजेपी का जो केंद्र बिंदु था वो उत्तर प्रदेश बना। अब आज परिस्थितियाँ बदली, चीज़ें काफ़ी बदल गई, अब आज बीजेपी का केंद्र बिंदु गुजरात हो गया है। अमित शाह जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ये अब बीजेपी को चला रहे हैं या चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस स्थिति में उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं वो ये जो ध्रुवीकरण बदला है इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की पुनर्स्थापना के लिए अपना फिर प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वह पुनर्स्थापना का प्रयास असफल हो इसके लिए जो दूसरे लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से कोई भी प्रभावशाली चेहरा इतने प्रभावी रूप से राजनीति में ना आ जाए दोबारा, जो उनके गुजरात की राजनीति को प्रभावित कर सके। इसलिए उनके द्वारा एक प्रयास करवाया गया, क्योंकि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं वो उनके प्लेजर पर हैं, ये एकदम राजनीतिक स्पष्ट है, इसलिए उनके निर्देश पर उसको प्रयास करवाया गया। और वो जो प्रयास हुआ उस प्रयास में, क्योंकि ये सब सजग थे राजनाथ सिंह जी के कार्यकर्ता, तो इन लोगों ने उसकी सजगता के कारण उस षड्यंत्र को सफल नहीं होने दिया। ठीक बात है योगेश जी, हम लोग आएंगे फिर। और अब विवेक जी आपकी तरफ हैं, अब दो चार बातें जो हैं वो आपके ध्यान में डाल दें कि जैसे सबसे पहले प्रभात जी ने जो बात कही कि एक आंतरिक लोकतंत्र का जो सवाल है वो गंभीर सवाल है, और राजनाथ सिंह के खिलाफ जो एक षड्यंत्र का मसला खड़ा हुआ उस पर आपका आपकी राय भी और भाजपा की जो सफाई भी। दूसरा ये कि जैसा अल्लामा ने कहा कि शियाओं को जो योगी जी का जो बयान आया अली और बजरंगबली का, ये एक वो जो कहते हैं कि नामकूल एक बयान था, जो समयानुकूल बयान नहीं था। इस तरह का बयान देने की क्या ज़रूरत थी? जब आप राजनीति में हैं, आपको आप सब जगह वोट मांग रहे हैं, तो आपकी बातों से किस वर्ग को क्या नाराज़गी होगी, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत ही सोच समझ कर बोला गया था, इसके पीछे ये नहीं था कि ये अचानक मुंह से बात निकल गई थी, और नेता अचानक ऐसे मुंह से बोलते नहीं हैं। उसके पीछे एकदम खास तौर पे इरादा था कि राजनाथ को, चूंकि एक पहला पुराना रिकॉर्ड है कि राजनाथ को शियाओं का वोट मिलता रहा है, तो उस वोट बैंक को किस तरह से डिस्टर्ब और छिन्न भिन्न किया जाए, उसके चलते ऐसा कुछ बयान चुना जाए जिसकी वजह से तुम्हारे अली और हमारे बजरंगबली, अरे भैया तो वोट लेने के लिए तो अली के पास भी जाते हैं और बजरंगबली के पास भी जाते हैं। तो आप जो हैं, ये जो तीन चार पॉइंट्स हैं इस पर हम लोग तो विशद रूप से बाद में उतरेंगे, लेकिन इस पर आपकी एक राय आ जाए उसके बाद फिर हम लोग बातचीत में करें उतरेंगे। आदरणीय प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, अन्य दलों में इस आंतरिक लोकतंत्र का नितांत अभाव है। हमारे यहाँ तमाम डिसीजन पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है, हमारे यहाँ किसी को टिकट राहुल गांधी की जेब से नहीं मिलता, अखिलेश यादव की जेब से नहीं मिलता, और कौन कहाँ से लड़ेगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड ही डिसाइड करता है।
और रही बात दिल्ली की सल्तनत की, तो ये बहुत पुरानी बात है कि दिल्ली की सल्तनत का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। जिसको भी दिल्ली की सल्तनत तक जाना है उसको उत्तर प्रदेश की परिक्रमा करनी पड़ती है, और आज नरेंद्र मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद। अगर आप इजाज़त दें एक क्षण के लिए ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन आएंगे आपसे ही सुनेंगे। पहले छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्दी लौटते हैं।